हेलो नमस्कार, आज बात करूंगा आयसर की। हाँ जी, आयसर सच में कमाल है, देश के लिए एक जन्नत है, हमारे देश की भविष्य की एक लीड है। हाँ जी, अब बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स आप लोग सवाल पूछते हो ना भैया, हाँ जी हमारा आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, हमारा एनआईटी में एडमिशन हो रहा है, हम ये आयसर्स में जाएंगे, हमारे आयसर्स में भी एडमिशन हो रहा है। हाँ जी, ये बीएसएमएस कोर्स क्या होता है? कोई नया कोर्स तो नहीं है? हाँ जी, आप बेरोजगार तो नहीं रह जाओगे? अरे कोई छोटा कोर्स तो नहीं है? कोई गाँव में पता नहीं भैया लोगों को पता नहीं है? ये रिसर्च क्या होता है? ट्रेडमार्क क्या होता है? इनोवेशन क्या होता है? टेक्नोलॉजी क्या होता है? शुरू से शुरू करते हैं आज आईसर्स के बारे में। अब सन 2007 के बाद में अब जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ने लगे, भाई इंटरनेट था नहीं, हाँ हमारे देश के गवर्नमेंट को क्या लगा, हाँ जी पहले जब हमारा IAS TPSC स्टार्ट हुआ था, हाँ जी कह रहा आज हम बात करें आईसर की। आईसर क्यों स्टार्ट किया गया, कैसे स्टार्ट किया गया? अब हमारे देश को पता था भैया जब R&D को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, वैसे गवर्नमेंट बहुत पहले सोच लेती है कि क्या होने वाला है, हाँ प्रिडिक्शन पहले कर लेती है फ्यूचर में क्या होगा। अभी जैसे करंट भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में ऐसी ऐसी मशीनें आ सकती है, रोबोट ऐसे काम कर सकते हैं। अब तो पहले भी वैसे ही सोचा गया भैया फ्यूचर में R&D चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, इनोवेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट बनाए जहां पे सिर्फ रिसर्च की जाए, इनोवेशन किया जाए, R&D किया जाए। हाँ जी, ऐसे धीरे धीरे आईसर्स की स्थापना हुई। हाँ, गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, या फिर पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बजट कोशिश किया भैया 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ आईसर्स के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए। हाँ जी, आईसर एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया अब जिसका मकसद जॉब देना नहीं है, जिसका मकसद है R&D, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, इनोवेशन करना। तो वैसे ही 7 आईसर स्टार्ट किए गए देश के अंदर, देश के अलग अलग कोनों के अंदर। हाँ जी, आप पुणे, कोलकाता, मोहाली, हाँ उसके बाद में भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और बेरमपुर के अंदर अब इसके सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। इनका कोर्स कुरुकुलम ऐसे रखा गया कि भैया हमको नौकरी नहीं चाहिए, हाँ तो बच्चों को क्या करो, बच्चों को प्रैक्टिकल के हिसाब से डेवलप करो भैया। हाँ जी, तो वहाँ पे क्या क्या लैब भी बना दिए गए, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, हाँ जी भैया रिसर्च लैब थे। अब देखो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं क्यों स्टार्ट किए गए, अब जैसे हमारा एक नाइसर भी चलता है, आपने सुना होगा NISER, हाँ जी एक हमारे देश में भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाँ जी, अब परमाणु न्यूक्लियर की स्टडी कराई जाती है उसके अंदर। हाँ, अब उसके आईसर्स के पास भी जो है आप बहुत सारे अब इंस्टीट्यूट के साथ ये लोग काम करते हैं भैया। हाँ जी, रिसर्च लैब के साथ काम करते हैं, या जितने भी रिसर्च लैब होते हैं, कोई भी कम्युनिटी होती है जो कि न्यूक्लियर पर रिसर्च कर रही होती है, उनको हाँ पहले साइंटिस्ट लिया है, अमेरिका से लिया है, यूरोप से लिया है, जापान से लिया है, अब नए साइंटिस्ट कैसे लेकर आए, क्योंकि उनको पता है हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, लल्लू लाल कॉलेज है, IIT है, NIT है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश फिजिक्स आप पढ़ा रहे भैया। हाँ जी, इंटर्नशिप करा रहे हैं, अच्छा ठीक है तुम ग्रेजुएट हो गए। हाँ, ऐसा ही सेम गठित हुआ इसरो के साथ भैया, इसरो नए साइंटिस्ट लाए कहां से? हाँ जी, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसको जो है उसको तालाब के पास बैठा के ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे भैया 2-2 साल, 3-3 साल। किसी ने PhD कर रखा है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं भैया, उसको एरोस्पेस सिखा रहे भैया तू ये सीख, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता। हाँ, रिजल्ट आ नहीं रहा होता है, तो उनको समझ आ गया भैया, समझ आ गया उनको कि यूथ को सिखाना पड़ेगा हमें। जो भी 12th पास कर रहा है अब कोई बात नहीं, हम करीम बच्चों को लेते हैं जो कि टॉप है, बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आईसर्स ने क्या स्कीम निकाली, जो भी स्टेट है, जितने भी स्टेट है, उन स्टेट के अंदर जो भी टॉप 20 बच्चे हैं, हाँ जी हमारे स्टेट के अंदर टॉप 20 बच्चे की लिस्ट निकालता है, हर स्टेट टॉप 20 बच्चों की लिस्ट निकालता है हमेशा। हाँ जी, तो आईसर ने क्या किया, जो टॉप 20 बच्चे हैं आप उनको ले लेते हैं, हाँ जी उनको बोलते हैं, उनको इन्विटेशन देते हैं, भैया तुम हमारा एग्जाम दो, और अगर तुम्हें रिसर्च अच्छा है, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है, तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है, तो हम तुमको पढ़ाएंगे। अब इनका जो करिकुलम किस प्रकार से डिसाइड किया गया है, डिजाइन किया गया है, इन्होंने पहला साल तो नॉर्मल रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, गणित हिंदी इंग्लिश जो भी नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद में क्या किया, साथ में प्रैक्टिकल ऐड कर दिया, हाँ जी इनोवेशन ऐड कर दिया, ट्रेडमार्क ऐड कर दिया, उसके बाद में इनको क्या बोलते हैं, तुम भैया फॉर्मूला डिजाइन करो, तुम हाँ तुम इतने घंटे की रिसर्च करो, तुम थीसिस करो, तुम हाँ तुम हमको जो है तुम अपना जो कोई वर्डिंग ले लो, तुम हाँ तुम कोई टाइटल डिसाइड करो, उस पर रिसर्च करो, उस पर लिखो, हाँ थोड़ी तुम थीसिस करो, आइंस्टाइन
की ये थ्योरी थी, इस पे गहन अध्ययन करो भैया, ये कोई मेटल है तो इस पे अध्ययन कर तू। हाँ अब बहुत सारे उनको नए नए प्रोजेक्ट देते हैं, अगर तूने ये नहीं किया अब तेरे को इतने असाइनमेंट कंपलसरी है लैब के अंदर, इतने घंटे लैब पे तेरे को रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इससे क्या हो रहा है, R&D डेवलप हो रहा है भैया। हाँ जी, R&D डेवलप हो रहा है, केमिकल डेवलप हो रहे हैं, फॉर्मूले डेवलप हो रहे हैं। अब देखो फ्यूचर के अंदर क्या चलेगा, हमें सबसे ज्यादा आज के टाइम पे क्या चाहिए, वो चाहिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वो आज सबसे ज्यादा आगे क्यों है, क्योंकि उनके पास R&D है। हाँ, अमेरिका के पास क्या है, R&D है। हाँ, जापान के पास, रशिया के पास, यूक्रेन के पास R&D है, वो बड़ी बड़ी मिसाइल बना रहे भैया। हाँ, हमारा देश खरीदता जा रहा है, क्यों क्यों बना रहे वो, क्योंकि हमारे पास एरोस्पेस का R&D नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। हाँ जी, इसीलिए हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट स्टार्ट होते हैं, IAST, ICER, NICER, ISICMI। हाँ, वैसे ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, अगर अगर आप लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो भैया, गहन अध्ययन करते हो, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, टाटा, महिंद्रा, हाँ, जेगवार, ये क्या करती है, बच्चों को एक्वायर कर लेते हैं भैया। हाँ, तो रिसर्च साइंटिस्ट कर, मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर इनोवेशन ला। हाँ जी, बड़ी बड़ी आप देखते हो हर महीने दो दो तीन तीन महीने के अंदर गाड़ियां इनोवेशन कर रही है, आज है नई गाड़ी लॉन्च कर देता है। आज आपने देखा होगा टाटा, महिंद्रा, बोलेरो, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोई भी प्रोडक्ट है क्या करता है, नया वर्जन लॉन्च कर देता है हर दो महीने से। अब उसका क्या है, उसका रिसर्च अच्छा है भैया, रिसर्च टीम काम कर रही है, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी है। हाँ जी, अब इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, रिसर्च साइंटिस्ट चाहिए। अब तो अगर आप बीटेक करने वाले हो तो आप बहुत बेकार सोच रहे हो, अगर आपका आईसर में एडमिशन हो रहा है भैया, BSMS कोर्स में एडमिशन हो रहा है, रिसर्च में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में। हाँ हाँ, पिछले 100 साल में हमारा देश जितना नहीं बदला उससे ज्यादा पिछले 2 साल में बदल गया। हाँ जी, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई, कितना इनोवेशन आ गया, कितना इंफ्राटेक चेंज हो गया। हाँ जी, बहुत सारी नई नई सिटीज बन रही है, द लाइन सिटी बन रही है, कितना ज्यादा इनोवेशन हो रहा है। अब लेकिन आने वाले 10 साल में 90% जॉब से रिप्लेस हो जाएगी। हाँ, लेकिन हाँ, R&D की हमेशा ज्यादा जरूरत रहेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत रहेगी। आप इसलिए बहुत अच्छे कोर्स हो सकते हैं। अगर आप यार परेशान हो या R&D के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ से मिलेगा, हाँ या आईसर वाले तो कुछ ही बच्चों को लेंगे, हाँ मैक्सिमम कितने बच्चों को ले लेंगे, 5,000, 6,000, 7,000। आप और प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अदर कॉलेज कौन से जो BSMS करा रहे हो, R&D करा रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा रहे हो, साइंटिस्ट बना रहे हो, हम उनमें जाके पढ़ लेते भैया, हमें तो पढ़ना ही है, वहां पे जाके इनोवेशन कर लेंगे, टेक्नोलॉजी सीख लेंगे। हाँ, अब इसके लिए हमारा ये कोर्स है, हाउ टू बिकम द बेस्ट साइंटिस्ट। हाँ, देश के अंदर और भी बहुत सारे जन्नत इंस्टीट्यूट है भैया, प्राइवेट कॉलेज है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि रिसर्च पे फोकस कराते हैं बच्चों को 12th के बाद में। हाँ, आप 12th के बाद में रिसर्च कैसे कर सकते हो, कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कौन सा कोर्स है, कितना पैसा लगेगा, वैसे आपके पैसे कमाना शुरू कब करोगे। हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़े हो जाएं और चश्मा लगा के डोरा डाल के घूमते रहें और पैसा आता ही ना रहे, बस पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे जीवन गुजर गया पूरा, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्या सारा सीन है, आईसर्स बेस्ट है, प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, क्या अच्छा है हमारे लिए, IIT अच्छे हैं, NIT अच्छे हैं, अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा, लोन का कैसे मैनेजमेंट करें। हाँ जी, एडमिशन हो ही नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करें भैया। हाँ जी, बीटेक में हो रहा है, इनमें नहीं हो रहा। हाँ, घर वाले बहुत परेशान है, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। हमारा एरोस्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, हमारा एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है भैया, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में कुछ रिसर्च करना है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा बनाना है हमको। हाँ जी भैया, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है हमारा, कुछ नया डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे, मशीनें बनाएंगे। हाँ जी, आपके भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, देन हमारा ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, हाउ टू बिकम द बेस्ट साइंटिस्ट। हाँ जी, इसके अंदर हम दुनिया के सारे इंडिया के समा चाहता हूँ बेस्ट इंस्टीट्यूट आपके लिए, जो है चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो आपका स्पेशलाइजेशन हो। हाँ जी भैया, स्पेशलाइजेशन बहुत मैटर करता है। हाँ जी, आप कौन सी डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो? हाँ जी, फिजिक्स में कर रहे हो आप, केमिस्ट्री में कर रहे हो, बायोलॉजी में कर रहे हो, हाँ रेडियोलॉजी में कर रहे हो, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो भैया, एटम बम बना रहे हो, हाँ एरोस्पेस में कर रहे हो,
हो, एरोनॉटिकल में कर रहे हो, सैटेलाइट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, वैसे बहुत क्रेजी कोर्स है, बहुत मजा आता है इनके अंदर। है कहीं ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोरिंग पढ़ रहे हो, ना ही नहीं। हाँ, अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार की फ्लेयर चलती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है एरोस्पेस डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत मजा आता है लैब के अंदर। हाँ जी, आप भी अगर चाहते हो देन हमारे एक कोर्स में एनरोल कर सकते हो, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप बच्चे हैं, वो राजस्थान की वो दादी भी समझ जाती है हमारे इतने सिंपल कोर्स होते हैं। भैया अच्छा अच्छा ऐसा होता है, अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को कोलकाता ही भेजूंगी। हाँ जी, वो तो IACS में पढ़ेगा, वो तो IASC में पढ़ेगा, भैया रिसर्च करेगा, डेवलप करेगा कुछ नया, हाँ अलग प्रकार की गाड़ी बनाएगा। हाँ जी, वैसे आपने हमारे IIT वाली केस स्टडी नहीं देखी तो वो आप लोग जरूर से जाके देख सकते हो।